अखंड ज्योति। जब भी हम पूजा करें यानी घट स्थापना का मुहूर्त है, 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है। मुहूर्त दो है, पहला है सुबह 6:30 से 8 बजे तक जो शुभ मुहूर्त है, आप इसमें कर सकते हैं। किंतु सबसे अच्छा और मेरा आपको यही है कि आप अविजित मुहूर्त को चयन करें। अविजित मुहूर्त है जो मुहूर्तों में भी सबसे सर्वेश्वरवा माना जाता है। इसमें अच्छे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं बाधाएं उपस्थित नहीं होती हैं और हम जिस कामना से करें उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए वो मुहूर्त अविजित मुहूर्त पड़ रहा है सुबह 11:48 से 12:30 तक। ये मुहूर्त में आप घट स्थापना करें। लेकिन जब घट स्थापना करें तो घट स्थापना में आपको अखंड दीपक पहले जलाना है, क्योंकि दीपक जब आप जागृत करते हैं, दीपक को जब आप जलाते हैं उसके अंदर ऊर्जा होती है। 9 दिन तक जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका अर्थ ही होता है कि देवत्व का विराजमान होना। जब भी आप किसी पूजा को कर रहे हैं या कितने दिन की कर रहे हैं उसमें उस देवता की स्थिति चाहते हैं, उसका वहां मौजूदगी चाहते हैं, अस्तित्व चाहते हैं, तो आपको वहां दीप प्रज्वलित करके रखना है और पूरे 9 दिन तक माँ भगवती आपके घर में विराजमान रहे। वो दीप ही है जो ऊर्जा प्रदान करके रखता है, दीप और जल यानी घट स्थापना। तो अखंड दीप को जलाने इससे पहले आप कोई तांबे का पात्र ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। उसमें आप गंगा जल से धो लीजिए, हो सके तो एक गोलाकार बनाइए और उसके बीच में त्रिकोण बना लीजिए और वहां पर एक कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए बीच में त्रिकोण के। वहां पर कुमकुम रखिए और एक मुट्ठी चावल रख दीजिए, उस पर आप अखंड दीपक रख दें माँ भगवती के नाम से। आप चाहे पीतल का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिट्टी का, और उस दीपक को प्रज्वलित करके माँ भगवती का आह्वान करिए, माँ भगवती आप विराजमान हुई और अब मैं आपकी पूजा में सम्मिलित हो रहा हूँ या पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस समय माँ भगवती की घट स्थापना के लिए आप एक दिन पहले जो तैयारी कर चुके हैं, यानी आपको एक दिन पहले ही कुम्हार से घड़ा लेकर आना है, सकोरा लेकर आना है, ज्वारे आप बोएंगे, ये विशेष में आप लिख लीजिए, ज्वारों की बड़ी विशेष महत्वता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी पहले ही करनी है। ज्वारों के लिए एक मिट्टी का पात्र लेकर आए अगर हो सके, नहीं तो फिर स्टील इत्यादि में तो आप करेंगे करेंगे, किंतु अगर मिट्टी का पात्र आ जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। और आप थोड़े से इंद्र जौ लें एक दिन पहले अमावस्या को, और थोड़ी सी अधिक क्वांटिटी में मात्रा में हमें जौ लेने हैं, एक रात्रि पहले ही भिगो देने हैं क्योंकि सुबह हम उन्हें ज्वारों में उपयोग करेंगे, उन्हें बोएंगे। अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेकर आए, हर जगह से ना उठाएं, किसी खेत की उपजाऊ मिट्टी को ही प्रयोग में लें। तो ज्वारे जो हैं जब हम घट स्थापना के समय उन्हें बोएंगे, ये ज्वारे ही हैं जो आपकी आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। ये 6 महीने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, माँ इन 9 दिन में आपकी आराधना से कितनी प्रसन्न हुई हैं, ये 9 दिन में होने वाले ज्वारे और जिस गति से वो बढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा आपकी आराधना सफल हो रही है।